मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम हंसता मुस्कुराता रखे। आज लैलतुल जायज़ा की रात है और ये वो रात है कि जिसमें अल्लाह तबारक व ताला अपने बेशुमार बंदों की मगफिरत व बख्शिश फरमाता है। और जो हमने पूरा रमज़ान जो मेहनत की होती है, आज उसको उसका जो इनाम देने की रात है, इनाम की रात है आज। तो हमने जो रमज़ान में किया होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, आज हमें उसका फल मिलेगा। तो आप तमाम अहबाब से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आज की रात आप फजूल कामों से बचते हुए अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदक़े से हमारी मगफरत व बख्शिश फरमा दे और हम पे ख़ास नज़र करम और रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए और अपने महबूब के रास्ते पे चलने वाला बना दे। आज की रात बहुत बरकत वाली रात है और इसमें आप बाज़ारों में और इधर उधर घूमने से बेहतर है कि आप इबादत में गुजारें और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर और दुआएं करें, अल्लाह ताला आपको बेशुमार नवाजेगा। और मज़ीद कल जो ईद की रात, ईद का दिन है और सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ईद की नमाज़ अदा करेंगे, तो उसके लिए जाने का सुन्नत तरीका ये है कि आप एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। यही हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और आप एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाते थे और जाते हुए आप तकबीरात तशरीक जो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीरात आप अदा करते हुए जाएं और इसकी बेशुमार बरकतें हैं। इसी तरह नमाज का जो तरीका है, नमाज ईदेन का तरीका, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये ईद की नमाज़ जो है तो ज़ायद 6 तकबीरों से है, इसमें 6 तकबीरात ज़्यादा हैं। तो इसका मैं तरीका बता चुका हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से ईद की नमाज़ का तरीका भी देख लें और नमाज़ की सही अदायगी करें ताकि उसका सही आपको अजर मिल सके। नीज़ ये है कि आप ईद की सुन्नतें अदा करें, ईद पे आप नए कपड़े पहने जितना मुमकिन हो सके, जिनके पास नए नहीं हैं तो वो साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनें, गुस्ल फरमाएं और नाखून काटें, इसी तरह खुशबू लगाएं और मिसवाक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम चीज़ों पे आप अमल करते हुए ईद की नमाज़ अदा करें, अल्लाह ताला आपको इसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर अच्छी लगे तो दूसरों तक भी शेयर कर दीजिएगा। नई वीडियो में आपके साथ दोबारा से हाज़िर हूँगा, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।